हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आज आया है। ठीक है दोस्तों, आज ही का ये नोटिफिकेशन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 10/10/2022 लिख रखा है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन जो बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये नोटिस है। ठीक है, इस नोटिस में हो क्या रहा है दोस्तों, यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों के साथ क्या कर रही है, खिलवाड़ कर रही है। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर वाले सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, इस वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे जो है सपोर्ट करें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग के लिए वीडियो जो है कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है सीसीएस यूनिवर्सिटी से तो आप लोग को जरूर अपने चैनल के माध्यम से बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, ये 10/10/10 की नोटिस है दोस्तों। ये किसके संबंध में दोस्तों, अभी आप जानते कि जो अभी बीएड दी थी वर्ष सत्र 2020-22 की जो है प्रज्ञात्मक परीक्षा थी। ठीक है, उसका उसका दोस्तों, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है बीएड द्वितीय वर्ष सत्र 2022-22 की जो प्रज्ञात्मक परीक्षा है वो स्थगन के संबंध में, ठीक है, यानी स्थगित हो गई है दोस्तों। ठीक है, हालांकि 11 से ये प्रस्तावित थी दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि 2-3 महीना 2.5 महीना बाद तो इन्होंने जो है 3 महीना एकदम मान लीजिए आप, ठीक है, 3 महीना 3.5 महीना हो गया। ठीक है, 3 महीना बाद तो इन्होंने एक नोटिस जारी किया कि हम जो है बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर का जो है मतलब प्रयोगात्मक और मौखिक परीक्षा कराएंगे। ठीक है, यानी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल कराएंगे। बट हो क्या रहा है कि 3 महीना बाद भी इन्होंने एक डेट प्रस्तावित तो करी पर उसे भी स्थगित कर दिया। ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी आप लोगों के साथ सीधे सीधे खेल रही है। ठीक है, अगर आपका बीएड हो जाता तो आप शायद किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, कुछ लोग अपना जॉब करते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं। ठीक है, बट ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, लिखा है विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति संख्या जो है 922 दिनांक 30/9/2022 द्वारा विश्वविद्यालय से संबद्ध बीएड महाविद्यालय संस्थानों से अधीनस्थ जो है छात्र छात्राओं की बीएड द्वितीय वर्ष, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं बीएड द्वितीय वर्ष 2020-22 की प्रयोगात्मक और मौखिक परीक्षा दिनांक 11/10 से जो है प्रस्तावित थी, जिसे अपरिहार्य कारणवश जो है स्थगित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्थगित हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है, आगामी तिथि की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर शीघ्र ही अपलोड कर दी जाएगी। तो दोस्तों आपका जो 11 से प्रस्तावित था वो जो है स्थगित कर दिया गया। ठीक है, यानी पोस्टपोन्ड हो गया आपका बीएड का जो प्रैक्टिकल होने वाला था एक्सटर्नल। अब जो है, अब देखिए ये कब देते हैं डेट, ये धीरे धीरे ऐसा करके मुझे लग रहा है कि दिवाली भी बिता देंगे ऐसे ही। ठीक है, मतलब सीधे सीधे ये ले लेंगे, इस बार आपका 4-5 महीना तो ले लिए। इसके वजह से आपका क्या हो रहा है दोस्तों, बहुत ऐसे फॉर्म है जैसे DSSB का फॉर्म निकला था। ठीक है, इसकी वजह से हो क्या रहा है आपका लॉस क्या हो रहा है दोस्तों, आप लोगों का लॉस ये हो रहा है कि अभी आर्मी की वैकेंसी आई थी। ठीक है, आर्मी में टीचर की TGT PGT और PRT की। ठीक है, अभी TGT PGT PRT की वैकेंसी आई थी जो कि अब जो है उसका डेट भी जो है 5 अक्टूबर को जो है फिनिश्ड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके पहले जो है DSSB का भी फॉर्म आया था, ये DSSB का आया था आपका, TGT PGT का। ठीक है, उसका भी जो है डेट निकल चुका है। ठीक है, यानी जो भी वैकेंसियाँ आ रही हैं उनकी डेट निकलती जा रही है, पर यूनिवर्सिटी जो है आपको जो है कि डिग्री देने के उसमें नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल कि आप समझ सकते हैं कि जुलाई का पेपर हुआ आपका। ठीक है, अब ये मंथ चल रहा है आपका, ठीक है, अक्टूबर है। ठीक है, और अभी तक प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप लोग अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में वो करिएगा। ठीक है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।